अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आप बताएं जी, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे तो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, बड़े ठंडे और अच्छे ज़बरदस्त जो है ना, बिल्कुल रिलैक्स वाले रोज़े जा रहे हैं इस बार, क्योंकि हमारे बहरीन में इस दफ़ा मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ज़बरदस्त। 2-4 दिन पहले जो है ना, वो पिछले हफ्ते में थोड़ी सी गर्मी आई थी, लेकिन अभी जो है ना, आप यकीन करेंगे, अभी इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, डेली जो है ना हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, और उसके साथ इतना मज़ा आ जाता है ना कि ज़रा सा भी भूख और प्यास का एहसास नहीं होता। हमारे घर के पास ही यहाँ पे दाना मॉल है, और ये यहाँ पे बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त सा मॉल है, और आप यकीन करें कि घर की ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पे हमें अवेलेबल है। घर की ग्रोसरी भी अच्छी तरह से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लूलू शॉपिंग सेंटर है, और उसके बाद रेड टैग भी है। अगर कुछ और भी हमें शॉपिंग करनी है तो वो यहाँ से हम इजीली कर लेते हैं। और यह है कि गाड़ी पे तो हमारा सिर्फ आई थिंक 2 से 3 मिनट्स का यहाँ पे डिस्टेंस है, और बाय वॉक भी हम लोग आ सकते हैं आराम से। तो अभी इफ्तार से पहले जो है, मुझे कुछ प्याज वगैरह लेने थे, थोड़ा सामान लेना था, तो मैं मोहसिन के साथ आ गई थी यहाँ पे। लेकिन मार्केट में आते ही आपको पता है कि अगर कोई और शॉपिंग के लिए कोई शॉप नज़र आ जाए तो हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है ना वैरायटी लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने पर्स भी लगा दिए हैं, कपड़े जूते हर चीज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइंस आए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे भी शॉपिंग करनी है, वो भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। बस फिर इसके बाद हमने थोड़ी सी ग्रोसरी की, उसके बाद मैं घर चली गई। घर जाके मैंने इफ्तारी की तैयारी की, और उसके बाद हमने रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद जनाब, और ये देखें पार्किंग में जब हम लोग निकले तो इतना प्यारा सा ये जो है ना बर्ड, ये जो पैरट है, ये हम लोगों ने देखा कि कोई अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे ना रख गए हुए थे। उसके बाद जी रात को लेट नाइट बाहर निकले बच्चों के साथ, बारिश भी हो रही थी, तो हमने सोचा आज हम सबस चाय पीते हैं, और उसके साथ हमने ये चपली कबाब ट्राई किए। सबस चाय का कलर जो है वो कुछ ज़्यादा ही पिंक कलर था, लेकिन टेस्ट और फ्लेवर जो है वो सारा जो है ना हमें पाकिस्तानी मिला। तो जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।